देखो जी साढ़ा जद्दी पुश्ती घुमिया रहा है काम है काफ़ी चिर तो कर रहे हैं पर गणेश जी की महाराज की पूजा कुछ 7-8 साल तो मैं गणेश लिया रहा है। ये पहले महाराष्ट्र बहुत चलती हौली हौली पंजाब भी चालू हुई है। POP के गणेश खुरदे नहीं है ना ही फिर सोटियां तोड़ते। देखो जी एक रब न ही पूजना 10 दिन वास्ते मुड़के सोटियां मार के नहर से जल प्रवाही करना है। जब पहले चीज चंकी खड़ो कच्ची मिट्टी के गणेश खड़ो जितों भी खड़ो जरूरी नहीं मैं कहना मेरी दुकान पर आ जाओ अभी बीतने 12 महीने का सारा काम ही मिट्टी के भांडे का साढ़े कच्चे गणेश मिलने सारे टोटली और इन्ने सोने डिजाइन है पगड़ी वाले गणेश है प्योर मिट्टी के होंगे साढ़े को। ये गणेश तो एक महीना पहले आने पंजाब चालू हो मूर्तियां आनियाँ फिर किसी ने बुकिंग करानी होंगी ऑन द स्पॉट तो बहुत घट गणेश मिलते हैं क्यों साढ़े को ऐसा बुकिंग चालू हो चुकी है। अं शहर वास कहने गणेश लग चुके हैं साढ़े को मार्केट के आओ बुकिंग कराओ अपनी चॉइस से पसंद करके लैके जाओ पगड़ी वाले लै जाओ मुकुट वाले लै जाओ। चेचा गाहक आते मेरे को गुरदासपुर तो गाहक आते हैं बटाले तो गाहक आते लोकल शहर से काफ़ी गाहक आते हैं भाजी कच्ची मिट्टी जिन्होंने मेरे को 5-7 साल पहले खड़ते रहे ना वो कोई 10 कस्टमर आते यार कच्चा उत्थे ही मिलता साढ़े को। यह सबूत है कोई कहते मिट्टी रंगा रंग भी मिल जाता जी अभी तुम पानी पा के दिखाने भी मिट्टी किस तरह बाहर आती है देख रहे हो लाइव तस्वीर देखो जी ए पानी है जी साढ़े को गणेश पा दो इस तरह मिट्टी खुर के 2 मिनट लगा के मिट्टी खुर के बाहर आ जाएगी हाथ साढ़े आई है मिट्टी है जी निरी प्योर। देखो जी प्योर कच्ची मिट्टी का गणेश जो ना 300 रुपये तो स्टार्टिंग होना जी 5000 रुपये 6000 रुपये तक गणेश मेरे को मिल जाएगा व्डे छोटा साइज सारे। मेरा एड्रैस है कोट बाबा दीप सिंह शहीदा वाला रोड सब्जी मंडी के बाहर लाडी घुमियार की दुकान मिट्टी के भांडे की दुकान हैगी मेरी। नंबर मेरा बुक आके करवाओ और मोबाइल नंबर है मेरा 9888-37-55-30। प्राइम मोदी चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों का जी बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ थोड़ा अपना हरजीत गरेवाल। हर साल की तरह एक बार भी जोड़ा वा गणेश उत्सव जोड़ा वा पूरे देश में जोड़ा वा धूमधाम मनाया जाता 31 अगस्त में जोड़ा कि गणेश उत्सव आ पर जो गल करिए पंजाब हूँ तो ही जीडिया वा बाजारों में रौनक लगनी शुरू हो गई ने गणेश महाराज की जीडिया मूर्तियां आनी शुरू हो गई ने। गलबात करा कि साढ़े गलबात करने तैयार ने लाडी घुमियार की जेडे कि हर साल की तरह गणेश जीडिया मूर्तियां लिया लिया के जोड़ा बेचते हैं अच्छा गलबात करा लाडी साढ़े नाल ने लाडी सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है जी प्राइम उदय चैनल। थैंक यू सर प्राइम चैनल। लाडी मेरे सो भी किन्ने समय तो तुम काम करते आ रहे हो तो जो गल करिए जी गणेशा जी की मूर्ति आ किन्ने चिर तो लिया रहे हो? देखो जी साढ़ा जद्दी पुश्ती घुमियारा काम है काफ़ी चिर तो कर रहे हैं पर गणेश जी की महाराज की पूजा कुछ 7-8 साल तो मैं गणेश लिया रहा है। ये पहले महाराष्ट्र बहुत चलती हौली हौली पंजाब भी चालू हुई है। ये साढ़े को आते कलकत्ते तो गणेश बने बिल्कुल कच्ची मिट्टी के जिदा खुर जाते पानी विसर्जन हो जाते हैं कई लोग तो काफ़ी POP के गणेश लगे होंगे शहर से काफ़ी लगे हुए हैं। POP की बेदबी होंगी है POP के गणेश खुरदे नहीं है ना ही फिर सोटियां ना तोड़ते। देखो जी एक रब न ही पूजना 10 दिन वास्ते मुड़के सोटियां मार के नहर से जल प्रवाही करना है। जब पहले चीज चंकी खड़ो कच्ची मिट्टी के गणेश खड़ो जितों भी खड़ो जरूरी नहीं मैं कहना मेरी दुकान पर आ जाओ अभी बीतने 12 महीने का सारा काम ही मिट्टी के भांडे का साढ़े कच्चे गणेश मिलने सारे टोटली और इन्ने सोने डिजाइन है पगड़ी वाले गणेश है प्योर मिट्टी के होंगे साढ़े को। गल करिए लाडी जी गणेश गणेश उत्सव तो किन्ने चिर पहला जोड़ा वा मार्केट की गल करिए पंजाब की किन्ने चिर पहला जी गणेशा जो महाराज की जो मूर्तियां आनी शुरू हो जाए ने? ये गणेश तो एक महीना पहले आने पंजाब चालू हो मूर्तियां आनियाँ फिर किसी ने बुकिंग करानी होंगी ऑन द स्पॉट तो बहुत घट गणेश मिलते हैं क्यों साढ़े को ऐसा बुकिंग चालू हो चुकी है। अं शहर वास कहने गणेश लग चुके हैं साढ़े को मार्केट के आओ बुकिंग कराओ अपनी चॉइस से पसंद करके लैके जाओ पगड़ी वाले लै जाओ मुकुट वाले लै जाओ कच्चे बिल्कुल मिट्टी एक रंग वाले लै जाओ वस्त्र वाले गणेश आए साढ़े को बड़ी वरायटी होंगी गणेशा के आप अपने बुक करवाओ आओ जी आया लै जाओ जिन्हें मर्जी बुक करवा के साढ़े को। गल करिए लाडी तुम कह रहे हो कि कलकत्ते तो जो स्पैशल मिट्टी की बनिया जो मूर्तियां लिया गणेश महाराज दी गल करिए
पंजाब से देखते भी पंजाब के भी हर कोने ज हर शहर में जो लोग बनाते हैं मूर्तियां वो किस चीज़ की मूर्तियां बनती हैं जेडे दे पी ओ पी की ज़्यादा 90% लोग पी ओ पी बनाते हैं। पी ओ पी बहुत सस्ता गणेश मिल जाता है और इस करके मिलता है लोग किसी कोई पूजा हार कोई दिल करता करने वास्ते पर पैसे खर्चे किसी किसी का दिल करता है जिन्हों के मन च शरदा आएगी वह कहता यार साल से ही इन्ना खर्चा कर दें रब एक दिन वास्ते पूजा करनी साढ़े को पैसे भी खर्चने वो चो लोग सब मिट्टी का ही गणेश मांगते साढ़े को भाजी चेचा गाह आते मेरे को गुरदासपुर तो गाह आते हैं बटाले तो गाह आते लोकल शहर से काफ़ी गाह आते हैं भाजी कच्ची मिट्टी जिन्होंने मेरे को 5-7 साल पहले खड़ते रहे ना वो कोई 10 कस्टमर आते यार कच्चा उत्थे ही मिलता साढ़े को मेरी दुकान हैगी है शहीदा रोड के उपर दुकान हैगी मेरी लाडी घुमियार के ना जाने मेरे को प्योर कच्ची मिट्टी का मिलना है मैं तुम्हें सबूत भी दिखा दाँगा भी तुम किसी को भी गणेश ले लो उन्हें कहा हम दिखा कच्ची मिट्टी का तुम सारे कहे पी ओ पी का कहें हाँ भाजी मिट्टी का है मिट्टी का पैसा वटन की खातर झूठ बोल के जो मर्जी करिए मैं तुम्हें सबूत हा ना तो क्या देखो कि कच्ची मिट्टी के पसंद किदा कि तुम कर कच्ची मिट्टी किस तरह गिनाया जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल तुम देख रहे हो तस्वीर में लाडी जी दिखा रहे हैं मिट्टी तो जरा पी ओ पी की फर्क की होंगे यह गणेश है जी मिट्टी का कलर किया प्योर कच्ची मिट्टी का है कई कस्टमर कहें जी ये मिट्टी का नहीं लगता जी ये पी ओ पी का लगता फिर अभी उन्होंने सबूत दिखाने देखो बिल्कुल कच्ची मिट्टी का गणेश है अंदर बार देखो कच्चा हैगा बिल्कुल यह सबूत है कई कहते मिट्टी रंगा रंग भी मिल जाता जी अं तुम पानी पा के दिखा रहे भी मिट्टी किस तरह बाहर आती है तुम देख रहे हो लाइव तस्वीर यह देखो जी ए पानी है जी साढ़े को इन गणेश के अंदर पा दो इस तरह मिट्टी खुर के 2 मिनट लगा के मिट्टी खुर के बाहर आ जाएगा हाथ से साढ़े आई है यह मिट्टी है जी निरी प्योर एक कच्ची मिट्टी का गणेश गिनाया जाता भी जरा पानी विसर्जन हो जाए घंटे 1.5 घंटे मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल जिसकी पूजा की जाती प्योर मिट्टी की क्यों गणेश महाराज जी भी ही एक मिट्टी तो ही तैयार होए ने। जी गल करिए लाडी जी देख रहे हो दिखा रहे हो हमारी तस्वीर में लाइव तस्वीर दिखा रहे हो भी मिट्टी दिखा रहे भी मिट्टी के वाकई ही जी गणेश महाराज की मूर्तियां बनदियां ने तो जी गल करिए कुछ स्पैशल मिट्टी होंगी है जिस बनती है कि जो आम मिट्टी होंगी नहीं आम मिट्टी नहीं होंगी है कलकत्ते ना बहुत हार्ड मिट्टी होंगी है ढेले वाली मिट्टी होती काली मिट्टी का बनता है गणेश है ये जो सुक जाती है ना काफ़ी हार्ड हो जाती है ट्रक पैक होकर आता काफ़ी पराली वगैरह लग के आती है टुटदा नहीं है गणेश हाँ जो 1000-1500 पीस आता हाँ 2-4 टुट भी जाते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इन्नी दूर का सफर करना 2-2.5 हज़ार किलोमीटर तक कलकत्ते चल के आना 2-4 तो टुटने टुटने क्योंकि बिल्कुल कच्चा तो होंगे फिर भी व्यापारी लोग हाँ बड़े सियाने ने बहुत पैकिंग करके भेजते हैं कि टुटदा नहीं है माल ये हों प्योर कच्चा सारा देखो प्योर मिट्टी का सारा कच्चा माल है साढ़े को गल करी तो दस रहे हो भी कलकत्ते तो सारा जो गणेश महाराज मूर्तियां बन के आदि ने कलकत्ते 12 महीने जोड़ा ये बन दी है कि ज 6 महीने पहला बननी शुरू हो जाए ने देखो ये मूर्ति का रुझान बहुत है पूरे इंडिया के यदा जो ऑर्डर होंगे ना जी फरवरी महीने ही चालू हो जाता है फिर जाके कितने मसा ही जून के महीने तक उधर बरसात छेती चालू हो जाती है मई एंड तो जून बरसात चालू हो जाए उस तो पहले पहले सारा मार्केट जिन्ना दिल्ली वाले ला लो पंजाब वाले ला लो ज अमृतसर कोई व्यापारी ला लो गणेश लै आते हैं बरसात तो पहले पहले जानी मई तो पहले पहले गणेश साढ़े को पहुँच जाता क्योंकि उस टाइम बहुत ही वधिया सुक्का माल मिल जाता सानू सुक्का माल जो कच्ची मिट्टी से टुटदा नहीं है छेती है वो पैकिंग हो जाता है फरवरी महीने ही चालू हो जाता गणेश बनना सर सर मेरे दसो भी लाडी जी देखते हैं ज्यादातर जो माल दस रहे हो भी कलकत्ते तो माल आ रहा वा तो जी गल करिए गणेश महाराज की मूर्तियां की सब तो छोटी साइज का की होंगे तो वो तो वही साइज का किन्ने जो गणेश महाराज की मूर्तियां होंगे ने देखो जी प्योर कच्ची मिट्टी का गणेश जो ना 300 रुपये तो स्टार्टिंग होना जी 5000-6000 रुपये का गणेश मेरे को मिल जाएगा व्डे तो छोटा साइज सारे जी बहुत जानी कि सज्जा है जानी 24 इंची का हो जाए 28 इंची का गणेश हो जाए 6000 रुपये 5000 रुपये रेंज है स्टार्टिंग 300 रुपये चालू होगा 300 वाला भी है 700 वाला भी है 1500 वाला है 2500 वाला है इस रेंज गणेश मिलते पूरी तैयारी से कोई वस्त्र कोई सेहरा पाने की लड़ नहीं पे कस्टमर किसी ने भी पूरे तैयार पर तैयार गणेश होंगे साढ़े को सारे लाडी जी जो लोग गणेश महाराज दूर्तियां लैन वास्ते आते हैं वो थोड़े को मंग करते हैं कोई डिमांड भी करते हैं कि किस तरह की जी मूर्ति सूँ चाहिए है असं देखते भी समाइल मंगते हैं गणेश जी जो उन्होंने होर चीज़ा मंगते किस तरह के लोग मंगते हैं भी इस तरह की गणेश मूर्ति सानू चाहिए है गणेश बिल्कुल पहले नंबर मंगते कच्चा गणेश है जी समाइल सारे गणेश में हैगी है समाइल कोई गुस्से का भगवान तो होंगे कोई नहीं गुस्सा बंदे नहीं चढ़ता रब न तो चढ़ता नहीं गा रब ने सारे संसार में वेखना भगवान ने सारे संसार में वेखना भगवान जिन्हें सारे कच्ची मिट्टी जानी मुस्कुराहट ही मिलती है एक है नम खासी मैं तुम्हें एक और सा कई कस्टमर साढ़े कहते यार मिट्टी का हैगा इतने लागे बन जाता है बहुत जल्दी आ जाता तुम कहते कलकत्ते आता कलकत्ते मिट्टी इतने पहुँचती है यह सबूत होंगे साढ़े को अखबार हूँ पंजाब तो बंगाली भाषा छापनी जानी ना कोई बंगाली इतने हो ठीक है बंगाली आते जरूर है जी इतने पर बंगाली अखबार नहीं छाप सकते पंजाब के पंजाब ही पढ़ेगा
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗਣੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੈਂਸੀ ਸਾਰਾ ਵਸਤਰ ਵਾਲਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁਬੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚਰਨ ਮਿਲਣਗੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਡੋਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗਣੇਸ਼ ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ ਪਰੀ ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਵਰਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੁੰਡ ਆ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁੰਡ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਜਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁੰਡ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੁੰਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਹਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸੱਜੀ ਸੁੰਡ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਭ ਜਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਸਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੁੰਡ ਕਿੱਧਰ ਘੁਮਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾਣੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਈਆਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਉ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ 90% POP ਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਭ POP ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਹੈ ਸਸਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 2.25 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਗਣੇਸ਼ ਖੜਨਾ 1.25 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਣੇਸ਼ ਖੜਨਾ 2.25 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਪਾਪਾ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗਣਪਤੀ ਪਾਪਾ ਮੋਰੀਆ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਲਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲਾਡੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਡੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਬੁੱਕ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 9888-37-5530 ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 9888-37-5530 ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ 6239-80-33-30 6239-80-33 ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਵਾਓ ਗਣੇਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਆਏ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਗਣੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲਾਡੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਈਟਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਡੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਣਪਤੀ ਪਾਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਦ